फोन चलाते चलाते हमें मालूम पड़ा कि भाई बीसीसीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने 5 सालों में आईपीएल से हुई अपनी कमाई के बारे में खुलासा किया है। एक अंदाजन आपके हिसाब से कितनी कमाई करी होगी बीसीसीआई ने? जितनी शायद मैं जिंदगी में न कर पाऊं। मेरे पापा के रिटायरमेंट फंड से तो ज्यादा ही होगा। जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। कम से कम 1000 करोड़ तो कम से कम कमाया होगा। कुछ करोड़ों अरबों में 2000 करोड़ के करीब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक कोठी बन सकती है मेरी। I have no idea regarding cricket. देखिए इनमें से तो खैर किसी को सही आंसर नहीं मालूम है। जी हाँ, बीसीसीआई की वेबसाइट पर 2021-22 तक के 5 सालों की एनुअल रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें पता चला है कि बोर्ड ने साल 2017 से अप्रैल 2022 तक $2.7 बिलियन यानी कि 22,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, इसके बाद से ही इस क्रिकेट लीग ने मीडिया राइट और ब्रांडिंग से अरबों रुपए की कमाई करी है। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में क्रिकेट लीग का ट्रेंड कितना बढ़ गया है। चलिए आपको बताते हैं कि बीसीसीआई पैसा कैसे कमाता है। हालांकि इस पर हमने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाई है, अभी हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। मीडिया राइट्स, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी कि आईपीएल के मैचों के टेलीकास्ट करने के अधिकार। मैच के लाइव टेलीकास्ट के अलावा हाइलाइट्स तक सिर्फ वही कंपनी दिखा सकती है जिसके पास मीडिया राइट्स हों। इससे ही बीसीसीआई को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप, साल 2008 में टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए सालाना 50 करोड़ रुपए दिए गए थे, वहीं 2023 में यह आंकड़ा सालाना 300 करोड़ से ज्यादा हो गया था। टाटा और बीसीसीआई के बीच 2 सालों की डील हुई है, इसके लिए कुल 600 करोड़ रुपए दिए हैं। फ्रेंचाइजी फीस, कोई भी नई टीम जब आईपीएल का हिस्सा बनती है तो इसके लिए फ्रेंचाइजी फीस देनी होती है। ये पूरा प्रोसेस बोली लगाकर होता है जिसमें अलग अलग कंपनियां या ग्रुप टीमें खरीदने के लिए बिडिंग प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं। साल 2022 में जब गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स लीग का हिस्सा बनी तो बीसीसीआई के खाते में 12,500 करोड़ रुपए जुड़ गए। इंडियन प्रीमियर लीग के 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स 48,390.52 करोड़ रुपए में बेचे थे। डिज्नी हॉटस्टार ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टीवी राइट्स को 23,575 करोड़ रुपए में खरीदा। वाइकॉम 18 ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिजिटल राइट्स को 20,500 करोड़ रुपए और चुनिंदा 98 मैचों के नॉन एक्सक्लूसिव व डिजिटल राइट्स को 3,258 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। बीसीसीआई को टीम इंडिया के भारत के होने वाले मैचों की मीडिया राइट्स की नीलामी से बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। एशिया कप से पहले होने वाली इस नीलामी में भारतीय बोर्ड को $1 मिलियन यानी कि करीब 8,200 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बोर्ड 2028 तक के 88 होम मैचों में मीडिया राइट्स नीलाम करेगा। इनमें किसी आईसीसी टूर्नामेंट के तहत होने वाले मुकाबले शामिल नहीं है, इनमें सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज के तहत भारत में होने वाले मुकाबले ही शामिल हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।